आज हम बनाने वाले हैं आलू की चटपटी मसालेदार सब्जी। ये हमने आलू को पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। हम आलू को इस तरह से क्रश कर लेंगे। इस तरह से सारे आलू को क्रश कर लेना है। हमें चाहिए लहसुन। अब हम लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हमने चिकन मसाला ले रखा है। इसमें डाल देंगे हम ये लिया है हमने मैगी मसाला, इसे भी इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हल्दी लेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। नमक। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे पानी में। सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर, दो हरी मिर्च। तड़का लगाने के लिए चाहिए जीरा, मेथी, तेजपत्ता। कढ़ाई रख दिया है हमने गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें तेल। तेल भी गर्म हो चुका है। अब डालेंगे मेथी, जीरा और तेजपत्ता। ये देखिए पक चुका है। अब डालेंगे इसमें हरी मिर्च। फिर डालेंगे इसमें प्याज। प्याज को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है।
ये देखिए प्याज पक चुका है। अब डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर को भी हमें अच्छे से पकाना है। इसे ढक देंगे 5 मिनट तक। ये देखिए टमाटर भी गल चुका है इसमें। इसे थोड़ी देर और पकाएंगे इसी तरह से। ये देखिए पूरी तरह से पक चुका है। अब डालेंगे इसमें मसाले। मसालों को पकाएंगे। ढक देंगे इसे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए मसाला भी थोड़ा बहुत पक चुका है। इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखिए मसाला पक चुका है पूरी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। इसे ढककर थोड़ी देर तक छोड़ देंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी में उबाल आ रहा है। अब हम इसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे। आलू को मिक्स कर लेंगे इसमें अच्छे से। अब इसे ढककर इसी तरह से पकने देंगे कुछ देर। इसे
इसको बीच बीच में चला लेंगे एक दो बार। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप एक बार इस तरह की सब्जी बना के ज़रूर ट्राई करें, आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। ये देखिए सब्जी दिखने में जितनी अच्छी दिख रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। आप प्लीज़ एक बार इस तरह की सब्जी बना के ज़रूर ट्राई करें।